तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे घर में अपना हक जताना चाहती हो? नहीं नहीं मामी जान, मैं तो बस नाश्ता करना चाहती हूँ। तो अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे गरीब घर से तो कोई नहीं आने वाला। पैसे कहाँ से आएंगे उनके पास? उन्होंने तो अपना बोझ मेरे घर फेंक दिया, अब आराम की नींद सो रहे होंगे। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियां कोई शर्म हया नहीं, अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं। किस तरह से अकेले लड़के को अपनी आशिकी के चक्कर में सिर्फ ऐश करने के लिए फंसाया है ना। अरे सहमा भी, आप क्यों सामान उठा रही हैं? सर्वेंट्स तो होंगे ना, उन्हें कहें वो उठा लेंगे। हाँ एक चाचा तो है, तो वो उठा लेंगे, आप रख दें। आ जाए। अब यहां से दफा हो जाओ और कोशिश करो कि जब तक तुम यहां हो अपनी मनहूस सूरत मुझसे दूरी रखो। वैसे तो मैं तुम्हें इस घर में ज्यादा देर वलीद के साथ नहीं रहने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। I'm really sorry, हम थोड़ा लेट हो गए, कहीं आप लोगों ने नाश्ता तो नहीं कर लिया? चाचा वो गाड़ी से ना नाश्ते का सामान ले आई है। जी बेटा। रशीद कोई जरूरत नहीं, इनके साथ इनका नाश्ता भी वापस जाएगा। हम लोग खैराती नाश्ता नहीं करते। सॉरी आंटी, मेरी गलती है। एक्चुअली मुझे लगा कि आप लोग शायद नाश्ता देर से करते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम चाहे नाश्ता देर से करें या जल्दी करें, अपना नाश्ता करते हैं घर पे। किसी डोनेशन का नहीं करते। मामी जान ये तो रस्म है। तुमने बाकी कौन सी रस्में पूरी की हैं? अच्छी तरह से जानती हो किस तरह से मेरे बेटे को ये चक्कर में तुमने फंसाया है ना। तुम जैसे लालची लोग तो मामा प्लीज, ये हमारे गेस्ट हैं, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने ये सबक हमें दिया है ना। इज्जत उन लोगों को दी जाती है जिनकी कोई इज्जत हो।